तो सीखते हैं फ्यूज़र रिप्लेसमेंट करना, फ्यूज़र को हम कैसे रिप्लेसमेंट या रिपेयर करते हैं, तो चीज़ हम सीखेंगे। एडीएफ हमने निकाल लिया है और साइड में कवर खोलना आपको, उसके बाद ये पेज कुछ खोलने के बाद ये आपको इस यूनिट को बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ऐसे कनेक्टिविटी होते हैं, इसके पेच वेच लगे होते हैं आगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इधर अगर पेच होंगे तो यहाँ से खोल लीजिए, और इस साइड में पेच होते हैं, ठीक है, एक इधर और एक इधर, फिर आसानी से ये असेंबली बाहर आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद से रियर साइड का खोलेंगे, ये डुप्लेक्सर यूनिट है। और इसमें क्यों हम फ्यूजर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये फ्यूजर ख़राब है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरा प्रोसेस तभी समझ में आएगा। ये HP LaserJet M227DN का प्रिंटर है, 203 भी ऐसे सेम होता है बिना ADF के। अभी ADF लगा दें तो ये 227 बन जाता है। कार्टेज ऐसे ही होते हैं, इसमें ड्रम और कार्टेज अलग अलग, ठीक है। तो इसमें कुछ कनेक्ट यहाँ पे लॉक वॉक लगे होते हैं, तो उनको हम निकाल के फिर आसानी से बाहर इजेक्ट कर पाएंगे। अब आसानी से एक साइड और होगा, इधर और निकालेंगे फिर इधर निकल जाएगा, ठीक है। ये बाहर है असेंबली, एक साइड और इधर है, इधर और निकालेंगे, ठीक है। तो ये हम कैजुअल मोड में निकाल रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि अपना काम भी कर रहे हैं, और ये अलग रख देंगे कंट्रोल पैनल वगैरह निकाल के, फिर इसको हम पैक कर करेंगे, फिर इसको भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा डुप्लेक्सर है, यहाँ पे प्रेस करेंगे लॉक को अंदर से, माइनस से, तो ये अंदर की तरफ ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, आसानी से। तो इस तरह से हमारा निकल गया। फिर यहाँ दो पेच होते हैं, देखिए, एक इधर एक इधर, इसको खोलेंगे तो ये हमारा असेंबली बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे भी पेच है, हमने यहाँ पे डिसमेंटल कर ही रखा, खोल के फ्यूजर वगैरह का कनेक्शन हटा रखा। कुछ और कनेक्टिविटी निकालने हैं तो उसको हम बाद में देखेंगे। ये हमारा असेंबली बाहर आ गया डुप्लेक्सर यूनिट का, और ये अपना फ्यूजर है ये पूरा, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट्स पे ऑपरेट होते हैं फ्यूजर, ठीक है। और कुछ 11 छोटे प्रिंटर होते हैं, 110 वोल्ट के होते हैं। तो इनमें क्या, आपको ये भी सेंसर का निकालना है यहाँ से कनेक्शन, ठीक है, ये वाला और ये ग्राउंडिंग का, और साथ साथ ये फ्यूजर के कुछ और ये इसके कनेक्शन है जो ये पीछे गए, तो इससे कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कुछ खास। तो हम सिर्फ इस फ्यूजर का भी निकाल लेंगे कनेक्टिविटी, जो जाके सप्लाई में लगता है, ठीक है। और ये जो केबल है इनको थोड़ा आगे फीड कर लेंगे ऐसे, एक बार माइनस पॉइंट से हम लेके इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हम पहले से खुली हुई है, इसमें हम क्या आरएनडी करें, सो कि ये निकल जाएगा। ये देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा लूज करना होगा पॉइंट, ये वाला तार निकालना होगा इधर से, जिससे कि ये लूज हो जाए, तो ये आसानी से पूरा खोले बिना निकल जाएगा। ये देखिए, ये आराम से निकल गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे खोलेंगे ये वाला, तो ये हमारा फ्यूजर निकलेगा, ठीक है। ये असेंबली पहले निकाल लेते हैं, इसे अनलॉक करके, ये देखिए निकल गया, इसको भी साइड रख देंगे। और यहाँ ऊपर तो ये हो गया, हमने डिसमेंटल कैसे करना है पार्ट को, और इस साइड का हमने खोल दिया, तो ये इजीली कैजुअल मोड में बाहर आ जाता है। ये यहाँ पे भी पेच होता है, तो यहाँ पर हमने खोल लिया, तो देखिए
ये पूरा फ्यूजर असेंबली ऐसे आसानी से बाहर आ जाता है, देखिए एक हाथ से, ठीक है। ये हमारा फ्यूजर असेंबली है, तो इसका पार्ट नंबर वगैरह आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इधर देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो फ्यूजर 220 वोल्ट का है। यहाँ पे देखिए स्टिकर लगा है 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 220 वोल्ट, ओके। तो इसी वोल्ट का हम फ्यूजर लगाएंगे, हीटर एलिमेंट। तो जो हम हीटर एलिमेंट लगाने वाले हैं, तो हमने एक फ्यूजर लिया यहाँ से, देखिए कुछ इसी से मिलता जुलता फ्यूजर है, लेकिन अब इस साइड से आप देखेंगे तो फ्यूजर थोड़ा सा अलग है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इम्पीडेंस हम दोनों का सेम है, 220 वोल्ट का भी है, तो हम लगा लेंगे। 202 का हीटर एलिमेंट लग जाएगा, 226 का लग जाएगा, और भी जो पर्टिकुलर मॉडल आते हैं उसका भी लग जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे टेफ्लॉन प्रेशर रोलर क्यों हमारा फ्यूजर एलिमेंट ख़राब हुआ है। तो इसको पहले हम खोलते हैं, फिर उसको हम बदलेंगे। इसको खोलो, इसमें हम क्या क्या ख़राब है अभी हम दिखाते हैं, और कैसे इसे ठीक करना वो भी दिखाएंगे। ये हमारा ख़राब वाला फ्यूजर, तो दो यहाँ पे पेच होते हैं, एक इधर, खोलिए आसानी से निकल जाता है इसका फ्लैप, ठीक है। टैपलॉन कवर जो होता है यहाँ से निकल जाता है, फिर आप स्लाइड करिए। एक बार आप ध्यान रखना कि ये खोलते वक्त इस वाले से अगर पेपर जाम हो जाता है, तो ये वाले असेंबली आप निकाल के रख दीजिए, डुप्लेक्सर में भी जाम नहीं होगा, इसको निकाल देना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी तो ये सही प्रॉपर काम कर रहा है, स्टक हो जाता है तो इसकी वजह से भी पेपर जाम होता है। तो ये वाली पार्ट आप पर्टिकुलर निकाल दीजिए, देन आपका जो पेपर जाम का इशू है डुप्लेक्स साइड में, जैसे देखिए अभी अंदर हो गया, तो कई लोग पैक कर देते हैं अंदर की तरफ, तो ये नहीं काम करता है, जाम करता है, तो ये बाहर की तरफ रहना चाहिए। तो इसको आप निकाल दोगे तो भी हमारा प्रिंटर सही से काम करेगा। तो हम निकाल देंगे, हमारा जो पेपर का जाम की जो इशू है वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हीटर है, और इसकी स्प्रिंग वगैरह लगे हैं, तो इसको हम निकालेंगे स्प्रिंग इस साइड से, ये देखिए इस साइड में होता है ये स्प्रिंग, ट्वीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और नोज प्लास का भी, जिससे स्प्रिंग आसानी से निकल जाए। बाहर की तरफ खींचेंगे और राइट साइड में छोड़ेंगे तो ये आराम से निकल जाता है, ठीक है। कभी भी आपको हीटर का एलिमेंट खोलना है तो आप ये स्प्रिंग को दबा कर रखिए, फिर आप बाहर की तरफ करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्प्रिंग निकल चुका, और ये आर्म है, तो इसको केयरफुली आप साइड में रख दीजिए, और ये इसके लॉक हैं जो हम दोनों साइड में रख लेंगे, और स्पेस आपके पास मेक श्योर होना चाहिए, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो पहले टाइम आप खोल लें फर्स्ट टाइम, जिसकी वजह से आपको आसानी रहे पैक करने में। तो हम यहाँ पे सेंसर से जो थर्मिस्टर का है उसे हम यहाँ से निकाल लेंगे केबल, ठीक है। ये देखिए ये थर्मिस्टर का केबल है, तो यहाँ से हम निकाल लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर वगैरह हमारा ऑलमोस्ट ठीक है, टैपलॉन भी ठीक लग रहा है, तो हो सकता है कोई पावर सप्लाई में कुछ मेजर इशू आया हो, तो इसकी वजह से यह टूट गया हो, या कोई इलीगल एक्टिविटी से इंजीनियर की टूट गया हो। तो ये हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट खोलेंगे इस साइड से खोलेंगे इस साइड से, ये देखिए हाँ। तो इसमें सोल्डरिंग है कुछ पॉइंट, ये देखिए जो अंदर की तरफ वायर जा रहे हैं, ठीक है, जो थर्मिस्टर के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो है एलिमेंट्स के जो वायर हैं जो थर्मिस्टर के, उसको घुमा के यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए हमारा जो फ्यूजर का एलिमेंट है, आप देखेंगे यहाँ से ब्रोकन हो सकता है या डैमेज हो सकता है, तो अभी हम देख लेंगे यहाँ से ये कनेक्शन निकालने के बाद, ठीक है। तो इसको हम प्रेस करके निकालेंगे हीटर, इस साइड में निकलेगा, इसका एक ऊपर लेयर होता है बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हीटर आता है, देखिए यहीं से ये स्पार्क करके जल गया है, बाकी कहीं से डैमेज नहीं, यहीं से स्पार्क करके देखिए जल गया, जिसके वजह से ये चेंज करना पड़ेगा। लूज़ हो गया होगा तो स्पार्क करके कार्बन वगैरह से जल जाता है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हीटर एलिमेंट हम क्या करेंगे, इधर से इजेक्ट करेंगे इस साइड से, ऐसे निकल जाएगा, फिर जो नया लेंगे उसी साइड से लगाएंगे। तो देखिए यहीं फाइनली हमारा जला हुआ, इसको आप चेंज कर दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा,
देखिए अभी चेक करेंगे, मीटर इम्पीडेंस कुछ भी नहीं बताएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जल चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट हम लेंगे तो उसमें बताएगा, तो उसमें हम लगा के रेडी कर देंगे। तो इतना फ़िलहाल इस पार्ट वन में इतना ही, अगले पार्ट में बताएंगे कैसे चेंज करना है एलिमेंट वगैरह लगा के। टू में हम बताएंगे, पहले पार्ट टू में वन में बताया था हमने कैसे हीटर एलिमेंट, नया हीटर एलिमेंट ले लिया और इसको लगा रहे हैं वापस से। तो लगाने के लिए आपको सिंपल वही फॉलो करने होंगे, पहले एक साइड से हम इंसर्ट करेंगे, एक मिनट। तो दोस्तों ये क्या है, आपको यहाँ से जो लॉक है इसका, ये ट्यूजर से उठा के, ये जो लॉक आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने, फिर आपको एलिमेंट इधर से लगाना है, ठीक है। जैसे आप इधर से लॉक को उठाएंगे और लगाते जाएंगे, ठीक है, तो आपका कनेक्टिविटी बन जाएगा और ये आसानी से लग जाएगा, अदरवाइज ये मुश्किल है लगाना, ठीक है। तो इसमें भी एक आध ये पिन आपके टूट जाते हैं तो भी दिक्कत होता, तो उस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो फ्यूजर एलिमेंट पूरा हीटर एलिमेंट चेंज करना है आपको, पूरा हीटर एलिमेंट असेंबली, ठीक है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपको दोबारा से क्रिएट होने लगेगी, कुछ पेज निकाल के फिर से जल जाएगा। तो इस मेरा ये कहना है कि अब उसके बाद से हमने तो लगा लिया, अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका इम्पीडेंस और चेक कर लेंगे इस पर कनेक्टर पर, इम्पीडेंस हमारा प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो भी दिक्कत है, ठीक है। इसके लिए हम पूरा असेंबली ले आएंगे, देखेंगे कौन सा क्या है, क्योंकि ऐसा हमारे पास एक असेंबली पहले से पड़ा हुआ था। तो मीटर में देखिए अभी भी कोई आ गया, यहाँ पे इम्पीडेंस आ गया, ठीक है, 66 आ रहा है। तो अभी इधर हम मिला डुला के देख लेंगे जो इम्पीडेंस है वो बदलना नहीं चाहिए, 6 देखिए 65 पे रुका हुआ, तो यानी कि ठीक है हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लग पैक करते हैं और लगाते हैं, ठीक है, लगाओ। तो ये हो गया, अब इसमें हम इसका कवर लगा देते हैं जो पहले से प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद इस पर हम लगाएंगे टैफलॉन, टैफलॉन वही लगा देंगे, ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इस पर थोड़ी सी ग्रीस अप्लाइड है, ठीक है। तो इसके लिए इससे पूर्व पैक करने से पहले हम यहाँ पे एक लॉक लगाएंगे, जिसके लिए ये स्टेबल है, ये लॉक इस पर लगता है, यहाँ पे एक लॉक लगता है, देखिए दिखाते हैं। तो ये आप भूल जाएंगे तो भी एलिमेंट आपका टूट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आसानी से इस तरह से लग जाएगा। अब ये यहाँ पे हम टैफलॉन को लगाएंगे, ये देखिए अपना टैफलॉन ऐसे लगा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये किसी ने यहाँ पे चेंज करा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आप लो कॉस्ट में भी मेंटेनेंस कर सकते, पूरा फ्यूजर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अपना लॉक लगा के केबल को रूट कर, पहले केबल को रूट करेंगे फिर ये इसका जो है लॉक लगाएंगे, केबल केबल जो घुमा के ऐसे था ना, अंदर भी तो था, आगे से इधर इधर से, लगाओ। सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो ये देखिए यहाँ से हमारा कुछ रूट होता है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से अपना लॉक यहाँ से देखते हुए इधर से लगा लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि लॉक प्रॉपर बैठा हो, अदरवाइज यहाँ पे इशू आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया, उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे
यहाँ से रूट कर लेंगे। तो रूट हो गया हमारा, ये है हमारा, ठीक है। अब फ्यूजर को हम पैक कर देंगे जैसे एज इट इज हमने खोला था। ये देखिए ये जो लॉक है, और इधर जिधर हमारा सेंसर, ये ध्यान देना कि इधर आपका सेंसर असेंबली है, देखिए, तो ये वाला केबल इधर होना चाहिए, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कभी कभार आपको भी प्रिंटर अगर काफ़ी दिन बाद कर रहे हैं तो करना चाहिए, अदरवाइज आप भी भूल जाओगे, ठीक है, या तो देखना चाहिए। तो ये अपना इसमें आके लग जाएगा, ठीक है, ये लग गया। तो इस तरह से केबल रूट करके आसानी से आप लगा सकते हैं, ये अपन ने लगा लिया, ठीक है। अब बात करते हैं आर्म की, आर्म हम लगाएंगे इस साइड में, ये देखिए ये आर्म हो गया, और इसमें स्प्रिंग हो जाएगा, ये जो भी हमारा राइट लेफ्ट यहाँ पे लिखा होता है देख के आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये इस साइड का हो गया, तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग भी हम इसी साइड में लगा लेंगे यहाँ पे, एकदम बारीकी से डिटेल में, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादातर से गलती इंजीनियर करते हैं जिसके बाद से प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। अगर आप किसी को ऑफलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम ज़रूर आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना, और इसमें ला के हम फंसा देंगे। तो इस तरह से आप फ्यूजर सर्विस करके एलिमेंट चेंज करके पैक कर सकते हैं, ठीक है। ये लग गया, इसकी जो ऊपर की है फ्लैप, इसको टोनर कवर या आप जो भी बोलना है टैपलॉन कवर आप बोल सकते हैं, आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक चीज़ है मैं बताना चाहूँ, पेपर आपका बार बार जाम हो रहा है, तीस असेंबली को ऐसे निकाल के यहाँ से दफा कर दीजिए, जो आपका पेपर जाम की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा 100%, डुप्लेक्स पेपर जाम नहीं होगा 203 या किसी में भी, ठीक है। तो ये हो गया अपना, क्योंकि वो बार बार आपको दिक्कत आने वाला है उससे, ठीक है। तो इस तरह इसमें लॉक में फिट करके यहाँ पे दो पेच लगा देंगे, इस तरह से हमारा जो फ्यूजर है वो सर्विस होके रेडी हो चुकी है, फ्यूजर भी रिपेयर हो चुका, इस तरह से फ्यूजर आप रिपेयर भी कर सकते हैं, और हमारा प्रिंटर भी पैक करके दिखा देंगे वो चालू हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा एक नया चैनल है उसको ज़रूर प्रमोट करिए, तो ये पैक हो चुका, अब ये हमारा फाइनल प्रिंटर है, अब हम इधर इसको पैक करके लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से ऐसे फ्यूजर आपको रखना है, ठीक है। तो इसमें एक लॉक होता है, इधर देखेंगे फॉलो करते हुए ऐसे यहाँ पे इंसर्ट करते हुए रख देंगे, तो देखिए ये हमारा फ्यूजर ऐसे लग गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पेच लगाएंगे, देखिए प्रॉपर बैठ गया एक ही बार में, अब यहाँ पेच लगाना, प्रिंटर चालू पैक करके आपको दिखाते हैं चालू करके। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पैक कर लिया ऑलमोस्ट, अब ADF लगा के हम इस पर ऊपर देखते हैं, ठीक है, हवा में रख के। तो ADF क्या करना है आपको, ऐसे रखना है, छोड़िए ऐसे ADF को रखना आपको यहाँ से, और ऊपर के जाना ADF लॉक हो जाएगा, बहुत आसान होता है लेज़र जेट का प्रिंटर का ADF करना, ठीक है। ये केबल इधर से ले आएंगे, केबल रूट करो, तो कभी आपके ADF में इशू आए, ADF जाम पेपर इन ADF, तो ADF का केबल निकाल दीजिए, आपका स्कैनिंग फ्लैट बेड काम करने लगेगा, ठीक है। या आपका उसका केबल चेंज करिए, शॉर्ट हो जाता कई बार, तो उसका भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या स्टेटस है, चलिए पावर को कनेक्ट करके देखते हैं हाथों हाथ।
तो पावर लगाते हैं। तो ये पार्ट टू है हमारे वीडियो, पार्ट वन देखने के लिए हमारे चैनल को जाके रिजेक्ट करके देख सकते हैं। अब ऑन करते हैं, देखिए ऑन हो चुका है, लेकिन पैनल पे यहाँ पे लाइट अभी तक नहीं आया। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा इंजन रोटेट किया उसके बाद से फिर से जो हमारे पैनल की इशू थी वहाँ पर देखना चालू हो गया है। तो कोई इशू नहीं है, हम क्या करेंगे दोबारा कनेक्शन को निकाल के एक बार लगा के देखने वाले हैं। ठीक है, ये अपना पैनल है, अब पावर लगाएंगे दोबारा। तो सारी ये डीएफ लॉक टूटा है, तो यहाँ से दिक्कत देखने को मिल रहा। देखिए यहाँ पे एडीएफ चल भी रहा है बट डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है, प्रिंटर में क्या एरर आ रहा है नो आइडिया, बट हम देखेंगे यहाँ पे केबल हमारा कंट्रोल पैनल से बाहर ना निकला हो। तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाले असेंबली को निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो रख दो। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल केबल है, देखिए इंजन प्रॉपर रूटेड किया। ठीक है, देखिए प्रॉपर घूम रहा है, थोड़ा सा घूमने के बाद यहाँ पे रुक जाता है। तो हमारा यहाँ पे कार्ट्रिज नहीं लगा है, एक बार निकालना, इसको निकालो, इसको हाँ उठाओ इसको थोड़ा, बस केबल ना निकले। देखिए यहाँ पे कार्ट्रिज नहीं लगा जिससे इंजन प्रॉपर रूटेड नहीं कर रहा है। तो ये जो हम लॉक लगाएंगे फिर उसके बाद चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ट्रिज लगा लिया, पावर लगा के अब ऑन करते हैं। ठीक है, तो अभी भी ये बैठ नहीं रहा, तो इधर कार्ट्रिज है जो है, क्योंकि इसका लीवर है यहाँ से नीचे गिरा हुआ, तो एक बार हम ट्वीज़र का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। जब तक ये लीवर नीचे रहेगा कार्ट्रिज आपका नहीं लगने वाला। ठीक है, ये लीवर इसमें लगा देंगे और कार्ट्रिज भी अब इसमें लग जाएगा, देखिए, और कवर भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बनाने के जल्दी जल्दी में कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, क्योंकि बनाना भी होता है, शूट भी करना होता है वो। और ये अपना पैनल है तो इसको भी देखेंगे खोल खाल के भी। बस ऑन करो, लगाओ पावर। देखिए प्रिंटर ऑन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बट ये एक दुख करने वाली बात है, डिस्प्ले नहीं आ रहा इसमें। डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है वो भी हमें देखना होगा थोड़ा बारीकी से डिटेल में, क्योंकि सारे कनेक्शन तो ओके हैं और कार्ड में पावर नहीं आने का वजह। ये हो सकता है ये जो पैनल है हमारा तार खींच गया उससे, तो ये भी इसी दिक्कत हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे एक बार पांच बार कवर ओपन बंद करके देखेंगे, पेज लगा के बंद, दो तीन चार चार पाँच पाँच। ठीक है, पेज एक बार निकालो नीचे से लगाना। देखिए एक सेल्फ टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि हमने फ्यूजर रिपेयर करके
यहाँ पे बदला है। और फुल वीडियो देखने के लिए आप जरूर पूरा वीडियो भी देखने को मिल सकता है आपको इसमें। एक दो तीन चार पाँच छः, देखिए प्रॉपर इनिशियलाइज हो रहा है। देखिए पेज उठाया और प्रिंट करके बाहर ला दिया, बहुत साइड प्रिंट करेगा और पेपर भी डुप्लेक्स में भी जाम नहीं हुआ है। देखिए लाइन लाइन प्रिंट कर दिया, तो प्रिंटर हमारा ओके हो चुका है। जो डिस्प्ले पे पैनल पे लाइट नहीं आ रहा, जो हमारी फ्यूजर की समस्या वो दूर हो चुकी है, ठीक है। और प्रिंट कर दिया, बोथ साइड कोई पेपर जाम नहीं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको जरूर स्टे ट्यून और नेक्स्ट फ्रेंड्स, लाइट आ चुका है पैनल पे और ए एन इनिशियलाइज होगा इसमें डिस्प्ले में क्या दिखाता है। लाइट क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका केबल यहाँ से निकल चुका था, लूज़ हो चुका था। मैंने दोबारा निकाल कर लगाया, फिक्स किया तो ठीक हो गया खोल के पैनल, क्योंकि पैनल में यहाँ से इसमें स्पीकर होता है, ये बजता है, जिससे आपको लग देगी ए एनिशियलाइज और प्रिंटर भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रिंटर भी रेडी हो गया, पैनल है हमारे पास। अब इसको हम फोटोकॉपी करके या टेस्ट पेज निकाल के देखेंगे, यहाँ पे सेल्फ टेस्ट मार के पैनल पे। ये देखिए बहुत ही क्रिटिकल प्रिंटर होता है, जल्दी कोई कर नहीं पाता है। देखिए पेज को उठाएगा, क्योंकि पेज एक बार में उठा लिया। ये देखिए प्रिंटिंग भी लाजवाब प्रिंटिंग आया, कुछ निशान आ रहे हैं क्योंकि अभी हमने प्रिंटर को सर्विस किया। दो चार पेज प्रिंट लेने के बाद ओके हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, बाकी आप पैक कर सकते हैं इजीली इस तरह से। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में,